रीगा रोड सीतामढ़ी नया टोला वार्ड नंबर 1 में काफी दिनों से बिजली न होने से समस्या बनी हुई है। वहां के लोग बिजली न होने के कारण काफी आक्रोशित हैं। यहां के पूर्व वार्ड कमिश्नर गीता देवी का कहना है कि उन्होंने सांसद से मिलकर इस समस्या के बारे में बात की थी। सांसद ने उनको आश्वासन दिया था कि 2 से 3 दिन में समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन सांसद के कहने पर अभी भी बिजली में कोई सुधार नहीं है। साथ ही उनका कहना है कि मोहल्ले के बगल से कई मेन रोड में बिजली है, लेकिन उनके मोहल्ले में बिजली नहीं है और ना ही अभी तक एक भी ट्रांसफार्मर है। साथ ही ग्रामीण बबलू का कहना है कि SDO से और JEE से कई बार उन्होंने बात की है, लेकिन उनको केवल आश्वासन ही मिला है। जब हमारे संवाददाता हरिशंकर जायसवाल ने बिजली विभाग के JEE से बात की तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर खुला बिजली तार होने के कारण हमेशा ये समस्या बनी रहती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि उस मोहल्ले में बहुत ही जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। सभी ग्रामीण ने एक स्वर में कहा कि अगर बिजली की समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम सभी लोग रोड पर धरने पर बैठेंगे। बिजली के बिल, हम लोग बिजली के समस्या से परेशान है। हर महीने महीने बिजली का बिल देते हैं और जिसका बिल कहते हैं कि बिल नहीं मिलता है इस टोला से, जो नहीं देता है उसका लाइन कटिए, जो जो देता है उनका लाइन काहे कटिएगा आप। अरे एक आदमी के कारण सारे गांव मोहल्ला को परेशान किए हुए हैं। हम लोग जहाँ तहाँ फोन करके थक गए हुए, कहते कहते थक गए हुए हैं। यहाँ तक कि मंत्री तक, संसद तक हम लोग फोन किए हैं, पिंटू बाबू को भी फोन किए हैं, बोले कि ट्रांसफार्मर लग जाएगा। अभी तक देख सकते हैं केवल तार, ये बताइए हमेशा आग लग जाता है, तार लगा हुआ है, बार बार उड़ जाता है। हम लोग इसको केवल तार लगाना चाहते हैं, लेकिन बोलते हैं सुनता नहीं है बिजली विभाग। पानी की सीन, पानी की